ये जो आरोप सब लग रहा है शौचालय लोग खेत में जाती हैं। तो शौचालय न है तो जाइबे करेगा ना खेत में, कहाँ जाएगा? कहे मुखिया जी हर घर शौचालय नहीं देखते हैं, कैसे आधा बना दिए हैं या आधा उसे रखे हैं, कहाँ बैठेगा, किसी के घर में जाएगा बैठे? अच्छा क्या मामला था, क्या होता है आपके खेत में? मैदान बैठता है, नुकसान होता है। भागलपुर के पीरपैती के गोविंदपुर गांव से एक अनोखा आवेदन खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आवेदन में साफ तौर पर लिखा है कि फसल को बर्बाद करने के लिए हमारे खेत में जानबूझकर सौंच कर रही हैं कुछ महिलाएं। इस आवेदन में बिहार के किसान ने अधिकारी से मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। भागलपुर के पीरपैती के गोविंदपुर गांव के देरा क्षेत्र के किसान ने अंचल कार्यालय में गांव की कुछ महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि वे जानबूझकर उनके खेत में सौच कर उसकी फसल को खराब कर रहे हैं। किसान का नाम चंद्रदेव मंडल है, वो महिलाओं की इस हरकत से बेहद खफा है। चंद्रदेव मंडल ने कहा कि आसपास कई खेत है लेकिन ये महिलाएं उनकी गेहूं की फसल को खराब करने के लिए उनके खेत में आकर हर रोज सौच कर रही है। उन्होंने यह बताया कि जब वो उसका विरोध करते हैं तो इन महिलाओं के पति उसके साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। अच्छा क्या मामला था, क्या होता है आपके खेत में? मैदान बैठता है, नुकसान होता है। तो कौन बताया आपको कि वीडियो साहब को लेकर? मैं बताया हम अपने दिमाग से। अच्छा, आप अपने से दिए हैं? हाँ। कब दिए थे आवेदन? जमीन के मालिक से जो है उसी से हम दिए। कोई कार्रवाई हुआ अभी तक? कार्रवाई तो आज कहा समझा दिए लोग, दो आदमी से आया। अच्छा, उस दिन के बाद से फिर कभी कोई लेटरिन करने आया? हाँ लेटरिन आ जाता है। अरे पायलोस करता था, उधर एकदम मारो फिर जर्जना ने कर दिया। पीरपैती के अंचल अधिकारी को दी गई शिकायत के अनुसार खेत में शौच करने वाली 6 महिलाओं के पतियों के नाम का भी जिक्र किया है। वहीं गांव के जनप्रतिनिधि एवं वार्ड सदस्यों का कहना है कि शौचालय के लिए कई बार राशि आई लेकिन गांव के लोगों तक नहीं मिल पाया। कुछ घरों में शौचालय है तो कुछ घरों में अभी भी शौचालय की कमी है जिसके चलते महिलाओं को मजबूरन खेत में शौच के लिए जाना पड़ता है। कुछ महिलाओं को तो खेत की आदत सी हो गई है, घर में शौचालय रहते हुए भी वो खेत नहीं जाती या कहीं से सही नहीं है। का लीला देवी। अच्छा ये जो आरोप सब लग रहा है शौचालय लोग खेत में जाती हैं। तो शौचालय ना है तो जाइबे करेगा ना खेत में, कहाँ जाएगा? कहे मुखिया जी हर घर शौचालय नहीं देखते हैं, कैसे आधा बना दिए हैं या आधा उसे रखे हैं, कहाँ बैठेगा, किसी के घर में जाएगा बैठने के लिए? अच्छा उस समय कौन मुखिया थे? चंद्रशेखर मंडल। अच्छा ये जो हर घर नल जल योजना और भारत सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया गया है, कुछ नहीं दिया है। अभी तो टंकी बनाया है तो वो नहीं दिया है, पानी कहाँ से लाएगा, क्या करेगा? नल जल योजना भी पानी नहीं मिला? नहीं मिला है। कितना नंबर वार्ड में घर है आप लोग का? 4 नंबर। केवल कागज पे ही सब सही है? कागज पे तो दिखाया गया हर घर में नल जल शौचालय दिया। देख लीजिए, घर जाकर देख लीजिए। नल दे दिया तो क्या हुआ, पानी नहीं आया? पानी नहीं आता। कितना दिन से पानी नहीं आया? अभी कभी नहीं आया। क्या नाम हुआ दादी आपका? नन्नी देवी। कभी पानी नहीं मिला है और शौचालय भी नहीं बनाया गया? कुछ नहीं बना है। कुछ नहीं बना? खेत नहीं बना है तो जाइबे करेगा खेत में? कुछ भी करिएगा, केस करो तो और कुछ करो तो पचका कर बैठबे करेगा, किसी का खेत में नहीं जाएगा, घर में नहीं जाएगा बैठने। अच्छा ये जो शौचालय बना हुआ है ये पूरा पार्ट सब बाहर है, कब बनाया गया था? इस साल का पहले। कौन मुखिया जी थे? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर मंडल। और उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया? कोई नहीं किया, टंकी गरा हुआ है नहीं और कुछ गरा हुआ है, ऐसे पार्ट धरा हुआ है बस, और क्लियर नहीं बनाया गया है ना? कुछ नहीं, देख लीजिए अंदर, देख लेते हैं। मतलब कुछ नहीं बनाया गया था, ऐसे ही करके छोड़ दिया गया था। और पैसा वैसा मिला था आपको सरकार की तरफ से? 12,000 रुपया दिया जा रहा है? एक भी रुपया नहीं, वो लोटा लेकर आगे में ठहरा कर दिया और बोला वहाँ सरकार के तरफ फोटो भेज दिया, बोला कि पास हो गया। केवल लोटा लेके फोटो खिंचवा दिया, पैसा किसी को नहीं दिया? नहीं दिया। क्या पार्वती देवी? कौन पंचायत में घर है? 4 नंबर वार्ड में। पंचायत का नाम क्या है? गोविंदपुर मानपुर। तो क्या आप लोग का शौचालय बनाया गया? नहीं बनाया गया।
तो बना के कुछ नहीं दिया, सीधा ईटा खड़ा करके छोड़ दिया। सरकार की तरफ से अभियान 12,000 रुपया दिया जा रहा था, कुछ नहीं दिया हमरे सबके, कोई ईटा नहीं मिला था, चलिए घर, कोई ईटा नहीं मिला था, कुछ सरकारी कोई फंड नहीं मिला था। लेकिन कागज पे तो आपको के पंचायत को स्वच्छ दिया, फोटो तो खिंचवाया था आके घर में आके, और किसी को एक रुपया नहीं दिया हमरे सबको। उस समय आपके वार्ड सदस्य कौन थे, वार्ड का क्या नाम था? वार्ड का नाम था पहले राजेश मंडल था, अभी जो नया वार्ड है अभी तो संभव कुमार जो है की खड़े हुआ, कुछ नहीं मिला उसको फंड, अभी नहीं आया था कैसे। अच्छा, राजेश जी जो वार्ड थे उनके फंड में तो दिया गया था कि वार्ड सदस्य जो पहले थे, लेकिन कार्य तो वही कर रहे थे ना। आप लोग के पास कागज लेने उनकी मम्मी, उसके आप कागज लेने उनकी मम्मी आती थी कि वो आते थे? राजेश आएगा, राजेश हमको एक ईटा नहीं हमको सबके मिला। तो आप लोग के साथ आपके पंचायत में काफी अन्याय किया गया है, चीज हमको मिला, चलिए घर के। सरकार के द्वारा भारत स्वच्छ अभियान चलाया गया है, हर घर शौचालय, हर घर नल, हर घर जल, तो ये कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई जो शौचालय सबका नहीं बना है सर, और हर घर नल जल गया है, नल गया चल नहीं रहा है, बंद है, नहीं चल रहा है नल, भी पानी भी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उनको भी चकनाचूर किया जा रहा है? हाँ, नहीं नहीं चल रहा, पानी तो चल ही नहीं रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज प्रसाद बर्नवाल। किस वार्ड में आपका घर है? 4 नंबर में है। अच्छा, आपके जो वार्ड में शौचालय हर घर में बना हुआ है? नहीं बना है। और नल जल योजना का पानी? नल जल योजना का टूटी लगा हुआ, अभी तक पानी भी नहीं चालू। कितने दिनों से पानी चालू नहीं हुआ? मतलब कि लमसम कभी कभी आता था अगले साल। ये कहना है कि खेत गंदा होता है, आवेदन दिया, फसल बर्बाद हो रहा है। आवेदन दिया है ब्लॉक में, तो वहाँ से आदमी भी आया था, तो वो आकर के देखा तो मतलब बाथरूम करने जाता है ठीक है, लेकिन फसल वसल बर्बाद जो है ना नहीं करता है, कहीं ना कहीं इस बाथरूम करने से फसल तो बर्बाद होता ही है। वार्ड साहब कुछ तो होबे करेगा, लेकिन क्या करेगा, आदमी को दिक्कत है। वार्ड है, आप वार्ड है, आपको आपका दायित्व बनता है कि हर एक घर में शौचालय देना है, देना। देखिए सर, पहले ओडीएफ घोषित हो गया है हम लोगों से पहले, ठीक है ठीक। अभी हम लोग जब ओडीएफ घोषित हुआ उस समय कौन मुखिया जी थे? उस समय वो चंद्रशेखर मंडल था। ठीक है सर, बोलिए ना। तो अभी हम लोग तो मतलब मुखिया जी के माध्यम से मुखिया जी को अच्छा तकलीफ बता रहे हैं। ऐसा ऐसा भी कोई बात है कि ओडिया पंचायत घोषित होने के बाद शौचालय नहीं देना है? नहीं तो कहाँ शौचालय तो देना, आप लोग का दायित्व है, आपको वार्ड है, मुखिया जी तो पूरे वार्ड पंचायत के मालिक है, आप तो एक वार्ड के मालिक है, तो आपका दायित्व लिख के दिए है कि इससे घर में शौचालय नहीं है जिसका शौचालय बनना चाहिए, तो आगे प्रक्रिया तो मुखिया जी ने आगे बढ़ाया। आपका अपना परिचय बताइए। मैं लालू सिंह, गोविंद पंचायत उप मुखिया। ये बताइए, जो मामला भी काफी चर्चा में चल रहा है शौचालय वाला, तो क्या मामला है ये? इसके बारे में भी पता किया गया, लेकिन कुछ बच्चा लोग आके पैखाना वखाना कर देता है, बड़े लोगों का इसमें कोई दायित्व नहीं है। तो बीडीओ साहब को लेटर दिया गया है बाय द वे नाम पत्नी, पत्नी के साथ सीओ साहब को लेटर दिया गया। ये कुछ ही लोग आपसी होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई फसल जान करे आके, ये सोच नहीं होता। अच्छा, आपके पंचायत में, आपके पंचायत में कितने लोगों के यहाँ शौचालय बन चुका है? देखिए, हम लोग के रीजन से पहले तो ओडीएफ घोषित हो गया था, लेकिन हम लोग लिख के दिए हैं, और भिन्न पैखाना के लिए हम लोग दरखास्त भी दिए हुए हैं, बीडीओ साहब के वहाँ पड़ा हुआ है, 250 का लिस्ट है जो अपने पंचायत में भिन्न बनाना है। बोला कि शौचालय बना लीजिए, पैसा मिल जाएगा, उठ गया। अभी तक मिल भी नहीं किया हमको पैसा शौचालय में। अच्छा, ये बताइए, ये बताइए, ये जो शौच करने का मामला आ रहा है खेत में, क्या मामला है सोच में खेत का? महिला सही में महिला इसमें खेत में सोच करती है? कई लोगों का जो है पास हो गया है रजिस्टर में, वो हम नहीं जानते हैं। ये वो जो महिला खेत में लैटरिन करती है, बाथरूम करती है, इसका क्या मामला? सही में महिला आती है यहाँ? महिला आती है क्योंकि उसको बाथरूम नहीं बनाया, शौचालय नहीं बनाया उसका। अच्छा, उस समय कौन से मुखिया जी का कार्यकाल था जब आपका पंचायत ऑडियो घोषित हो गया था? चंद्रशेखर मंडल था। क्या नाम था मुखिया जी का? चंद्रशेखर मंडल। और जो अभी इस बार नया मुखिया जी है सुचिता देवी है, तो क्या इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है? अभी इनके द्वारा कोई कार्य किया नहीं जा रहा है, यहाँ पंचायत में कुछ नहीं हो रहा है अभी। लेकिन कागज पे तो आपका पंचायत ओडीएफ घोषित कर गया है।
किसी का बना है सीट नहीं बैठा है तो किसी का कुआं खोद के छोड़ दिया है तो किसी का दीवार खड़ा है, लेकिन शौचालय बनकर तैयार नहीं नहीं है, नहीं कंप्लीट शौचालय नहीं है।